तो दोस्तों जेनरिक पेपर को लेकर BBMKU में फाइनली एक नोटिस जारी किया है। पेपर में ही बोला है इन्होंने, ठीक है, ऑफिशियल तो नहीं जारी किया है, मैं चेक किया था शाम को। तो इन्होंने बोल दिया है कि जेनरिक पेपर में जितने भी कैंडिडेट हैं ना, उन सभी का एग्ज़ाम देना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, यह पेपर आपका दैनिक जागरण का है और मैं डेली 4 पेपर पढ़ता हूँ, तो जहाँ पर भी मुझे इम्पोर्टेंट न्यूज लगता है, और ये है आपका हिंदुस्तान का। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है। मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि अनिवार्य नहीं है, अगर आपका मन है तो दे सकते हैं एग्ज़ाम, नहीं माने तो नहीं दे सकते हैं। जो नहीं देंगे उनका भी पेपर का मान्य होगा, ऐसा नहीं कि अनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप पेपर नहीं देंगे तो भी ये मान्य रहेगा, ऐसा बोला है। BBMKU जेनरिक पेपर परीक्षा के लिए बनेगी कमेटी। अब कमेटी बनेगी और फिर निर्णय लेगी कि कब एग्ज़ाम होगा, कैसे एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे देखिए बोला गया है कि विनोद बिहारी महतो कल्याणचल यूनिवर्सिटी धनबाद विश्वविद्यालय PG में एडमिशन के लिए 50% सीटें। अरे यार, यहाँ पे इसको छोड़ो, कहाँ पे आ गए, जेनरिक पेपर, हाँ वहीं। ये देखिए 2016 से 19 से 22 तक स्नातक परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं के लिए जेनरिक विषय की परीक्षा के संबंध में एक कमेटी बनेगी। कमेटी विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग, रांची विश्वविद्यालय समेत अन्य विश्वविद्यालय में लिए जा रहे निर्णय व अन्य बिंदुओं की समीक्षा करेंगे। ठीक है, जो रांची यूनिवर्सिटी और विनोबा भावे में अपना कर लिए किस प्रकार, उनसे ये एक्सपीरियंस लेंगे और जानेंगे मीटिंग के बाद। फिर धनबाद व बोकारो के जितने भी छात्र हैं, ठीक है, इन सभी का एग्ज़ाम होगा। बोला गया कि इससे प्रभावित समेत अन्य बिंदुओं पर भी कमेटी रिपोर्ट देगी। उसके बाद BBMKU की ओर से जेनरिक पेपर के संबंध में BBMKU की ओर से आदेश जारी किया जाएगा। यह निर्णय शनिवार BBMKU में हुई। फिर बोला गया कि एकेडमिक काउंसिल की बैठक में लिया गया है कि बताते चले कि विश्वविद्यालय जेनरिक पेपर की परीक्षा को ऐच्छिक रखा है। ऐच्छिक एक होता है, एक होता है अनिवार्य। ऐच्छिक का जस्ट अपोजिट विप्रार्थक शब्द होता है अनिवार्य। ऐच्छिक मतलब होता है ऑप्शनल। ठीक है, मतलब कि आपकी मन है तो दीजिए, नहीं मन है तो मत दीजिए। और एक होता है कंपलसरी, लेकिन यहाँ पे कंपलसरी की बात नहीं किया है। कंपलसरी जिसमें आपको एकदम अनिवार्य करना ही करना है। ठीक है, जैसे कि किसी पेपर पे देखेंगे इन प्रश्नों का आंसर अनिवार्य है, तो अनिवार्य नहीं है, यह पेपर आपका अनिवार्य नहीं है। अगर आपका मन है तो दीजिए, ठीक है, ऐच्छिक है। और फिर बोला गया है कि यहाँ पे जिन जो पेपर नहीं देंगे क्या उनका पेपर अनवैलिड हो जाएगा, नहीं। जो लोग पेपर नहीं दीजिए, मान लीजिए एक कैंडिडेट है ये, ठीक है, मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त ही बोलता है कि यार मैं नहीं दूंगा, जाओ जिसको देना है, तो ये बोलता है कि नहीं मैं पेपर को एग्ज़ाम नहीं दूंगा, तो इसका भी पेपर वैलिड ही रहेगा। और मान लीजिए मैं हूँ एक कैंडिडेट, ठीक है, मैंने पेपर दे दिया तो मेरा भी पेपर वैलिड रहेगा। बट कुछ कंडीशन में जो है, कुछ जगहों पर जैसे कि टीचर वगैरह की वैकेंसीज में इनको दिक्कत करने के सामना पड़ सकता है। ठीक है, ये मेरा दोस्त को जो एग्ज़ाम नहीं देने खोज रहा है, और अगर वैसे मुझे तो टीचर नहीं बनना है यार, बनूंगा तो लेक्चरर बनूंगा, नहीं तो ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, नहीं तो आपके साथ तो जुड़ा ही हूँ, बिजनेस वगैरह चलता ही है। तो ये चीज़ जो लोग टीचर में जाना चाहते हैं स्पेशली, ठीक है, बीएड वगैरह, डीएलएड वगैरह, चाहे एमएड वगैरह किए हैं, और अगर आप टीचर में जाना चाहते हैं तो ये पेपर दे लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि इन फ्यूचर में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आप पेपर में अपीयर होते हैं, ठीक है, तो आपको फिर एग्ज़ाम दिया जाएगा, कुछ फॉर्म फीस लगेंगे उसको देना होगा। और एक क्या बोलेंगे कि एग्ज़ाम देने से कतराइए मत, बाकी ये आपकी मर्जी है, आप एग्ज़ाम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी आपको फोर्स नहीं करेगा, आपके सर्टिफिकेट का वैलिड रहेगा। ठीक है, तो ये थी न्यूज, और मैंने बता ही दिया कि हिंदुस्तान और आपका ये दैनिक जागरण के न्यूज़पेपर में आज आया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, इसी तरह से मैं आपको यार अपडेट करते रहता हूँ। ठीक है, तो आप में से जितने भी लोग अभी हमारी पहली बार वीडियो देख रहे होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी जानकारी मिलती है जो आपको झारखंड में रहेंगे तो फ़ायदा ही करेगा। ठीक है, बाकी चलते हैं, दाढ़ी मूंछ शेव करना है, थोड़ा नहाना भी है यार, संडे है, बाय, मिलते हैं, बहुत सारा काम है यार, थैंक यू।